अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आत्मदर्शन चैनल के सभी श्रोतागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम संत लूकस अध्याय 21 पद संख्या 5 से 19 इन पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। इन वचनों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इन पाठ में, इन वचनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है, किस प्रकार संसार में कई प्रकार की बुराइयां हैं, किस प्रकार संसार में विपत्तियां आ रही हैं, किस प्रकार संसार में अलग अलग प्रकार से लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं। और यह अभी की बात नहीं है। हम देखते हैं जब प्रभु के समय मंदिर का निर्माण हुआ, जब प्रभु के समय मंदिर स्थापित हुई, मंदिर को देखकर लोग अपने मन में बहुत बड़ी आशाएं, उम्मीदें लेकर मंदिर को देखते थे। वे देखते थे कि मंदिर किस प्रकार का बना है, मंदिर पे मोतियों का आभूषण, मंदिरों में किस प्रकार वह मोती उन्हें रोमांचक दृश्य दिखाई देता है, रोमांचक दृश्य प्रस्तुत होता है उन मंदिरों को देखकर। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि वे लोग उस मंदिर की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि मंदिरों में मोती जड़े हैं, मोतियों की आकर्षण लोगों को खींचती है। और साथ ही साथ उसमें प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ठा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु एक विनाश की ओर संकेत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार का विनाश उस जगह होने वाला है, यरूशलेम में जो मंदिर बना है उसका किस प्रकार का विनाश होगा। और साथ ही साथ उनके शिष्य पूछते हैं कि ये सब कब होगा, आप कब कह सकते हैं कि कब होने वाला है यह सब चीजें। और प्रभु कहते हैं, प्रभु जो आने वाली विपत्तियां हैं उनके बारे में उनको आभास दिलाते हैं, उनको बताते हैं और कहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं और वह समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस परिवेश में हम देखते हैं कि हमारे सम्मुख बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को प्रभु का दर्जा देते हैं, अपने जीवन को, अपने आप को कहते हैं कि मैं वही हूँ जो आने वाला था, और अपने आप की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे शिष्य बनो, मेरे गुरु बनो, मेरे पीछे चलो, मैं आपके आपको संभाल लूँगा। लेकिन हमें वचन कहता है कि उन लोगों से सावधान रहो, उन लोगों के अनुयायी ना बनो, बल्कि हमारा एकमात्र गुरु है, हमारा एकमात्र चरवा है वह स्वयं प्रभु यीशु है। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु की राह में चलते हैं, प्रभु के नज़दीक पहुंचते हैं, तब हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं, उस प्रेम को अनुभव करके उस प्रेम के पास आते हैं, और उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम उस प्रेम से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि कौन मुझे उस प्रेम से अलग कर सकता है, कौन मुझे उस यीशु से अलग कर सकता है, ना विपत्ति, ना संकट, ना परेशानी, ना कोई दुख तकलीफ। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का प्रेम हमें खींचता है, हमें आकर्षित करता है, हर तकलीफ में, हर विपत्ति में, हर पीड़ा में प्रभु हमारे साथ रहता है, उसका आश्वासन हमारे साथ है, वह हमारे साथ है और हमें आश्वासन देता है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे विपत्ति क्यों ना आए, चाहे तकलीफ क्यों ना आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वचन में हम आगे सुनते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों,
हम जानते हैं जब हम प्रभु के अनुयायी बनते हैं, जब हम प्रभु की राह में चलते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे विपरीत जाए। हमें परिस्थितियाँ वैसी नहीं मिलती जिस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु का अनुयायी बनना बहुत आसान है, प्रभु का अनुयायी बनने से हमें कोई भी परेशानियाँ नहीं आएगी। नहीं दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से प्रभु के अनुयायी बनते हैं, हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ महसूस करते, लेकिन वहाँ उस परेशानी में, उस कठिनाइयों में प्रभु हमारे साथ देता है, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे ऊपर है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें वह कठिनाइयाँ कुछ नहीं के बराबर लगती है। वह कठिनाइयों में हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज हम फिर से आपके पास आए हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज हम आपको पूर्ण रूप से आपके पीछे आपका अनुसरण करने आए हैं। चाहे कठिनाइयाँ क्यों ना आए, चाहे परेशानियाँ क्यों ना आए, फिर भी हम आपके साथ हैं, हम आपका अनुसरण कर रहे हैं। आपका प्रेम, आपकी सादगी हमें आपके पास बुलाती है। हमें हर पल हर क्षण हमें बताती है कि किस प्रकार हमें आपके पास आना है। और आपका वचन हमें दृढ़ बनाता है, आपका वचन हमें परिपक्व करता है, आपका वचन हमें कहता है कि हर पल हर क्षण आपका स्तुतिगान कर सके, आपकी महिमा गान कर सके। और इस संसार की जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दुख तकलीफ है, उन सभी से अलग करके हमें आपके और अभिमुख करता है। कठिनाइयाँ हर एक के जीवन में होती है, परेशानियाँ हर एक के जीवन में होती है, दुख तकलीफ हर एक के जीवन में होती है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण लगता है किस प्रकार हम प्रभु की ओर अभिमुख हो, किस प्रकार हम प्रभु के हाथों को थामे रखें, किस प्रकार हम उसके पद चिन्हों पर चलते रहे। जब हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके हाथों को थामते हैं, तो हमें हर कठिनाइयाँ कुछ नहीं के बराबर लगती है। आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के दिन हम विशेषकर प्रभु के अनुयायी बने और उससे कहें कि प्रभु हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा के लिए। आइए हम अपने हर एक प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, अपनी हर एक अर्जियों को हमारे इस आत्मदर्शन चैनल के इस मोबाइल नंबर पर से दिया गया है, उसमें हम अपनी हर एक प्रार्थनाओं, हर एक अर्जियों को रखें। और हम सब आत्मदर्शन के टीम मेंबर्स आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, और हम सब फादर्स लोग आपके लिए विशेष मिसा बलिदान में उन अर्जियों को, उन प्रार्थनाओं को चढ़ाएंगे। आमीन।